राज पुष्कर की जनता लगातार तीसरी बार मेरे पर विश्वास जता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा, और जो मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने महकमा दिया वो जल संसाधन है, क्योंकि जल ही देखिए मैं सबसे पहले तो पार्टी के हमारे नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और मान सम्मान दिया, और अजमेर के लोगों का भी विशेष तौर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रखा, और तीर्थराज पुष्कर की जनता लगातार तीसरी बार मेरे पे विश्वास जता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा, और जो मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने महकमा दिया वो जल संसाधन है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना कल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास रहेगा कि जनता में जन जागृति करके, जन आंदोलन करके कैसे बरसात का पानी संचय हो, और किस तरह से हमारे शहर के अंदर, जैसे अजमेर की बात करें कि हम बिशनपुर का पानी जितना आना चाहिए था उतना नहीं आता है, तो बिशनपुर का बांध हमारे विभाग के ही संचालन करता है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ जाए। दूसरा, एक बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है कि संबल का पानी जो बिशनपुर में डालने के लिए वर्षों से जो हम सपना सजोए हुए हैं, जल्दी वो मूर्त रूप रहने वाला है। मध्य प्रदेश की और राजस्थान सरकार में जल्दी समझौता होने वाला है, तो ये भी अपने लिए एक सुखद क्षण होगा, और अजमेर में पानी की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि क्योंकि अजमेर मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, तो यहाँ पे और भी विभिन्न विभागों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर हम काम कर सकें, सभी को साथ लेकर, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।